कोविड-19 के बीच जारी जंग में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए मार्च माह में आयोजित हुई वार्षिक परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम को निकालने के लिए तैयारी आरंभ कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि मार्च में हुई परीक्षाओं के पेपरों को जांचने का कार्य 21 अप्रैल के बाद शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पेपर जाँचने के लिए इस बार बोर्ड ने विशेष व्यवस्था की है। सोनी ने कहा कि कोविड-19 के कारण इस बार बोर्ड ने स्पॉट मार्किंग ना कराकर अध्यापकों के पास घरों में पेपर चेक करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश सरकार को पूरा प्रपोजल सौंपा जा चुका है और सरकार ने सैद्धांतिक रूप में अपनी मंजूरी भी प्रदान कर दी है। डॉक्टर सोनी ने कहा कि प्रशासन द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पेपर मार्किंग का कार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहाँ पर एक भी कोरोना वायरस से संबंधित केस नहीं है वहीं पर पेपर मार्किंग का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासन एवं बोर्ड को छात्रों के भविष्य की चिंता है क्योंकि जमा दो के बाद छात्रों को अपने भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, इसलिए बोर्ड के स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं के जो पेपर हुए हैं उनका इवेल्युएशन प्रोसेस हमने प्रारंभ करना है, तो उसमें डूज एंड डोंट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसमें हम प्रारंभ करेंगे और एक प्रपोजल, डिटेल प्रपोजल हमने सरकार को सबमिट किया है। सरकार भी सैद्धांतिक रूप से उससे सहमत है, लेकिन ये कब प्रारंभ होता है, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन देने की जो बात हो रही है वो 20 तारीख से हो रही है, तो मुझे लगता है 20 तारीख और 20 तारीख 21 तारीख से हमारा काम प्रारंभ होगा और हम जो बच्चे मैट्रिक के, जिन्होंने सारे के सारे एग्जाम हमारे मैट्रिक के हो गए हैं, और जहाँ तक प्लस टू का है तो प्लस टू में मेनली 3 सब्जेक्ट के अभी हमने एग्जाम कंडक्ट करने हैं, तो इन्हें 3 सब्जेक्ट के एग्जाम कंडक्ट करने के ऊपर हम ध्यान वर्तमान स्थिति में नहीं दे रहे हैं, तो जितने पेपर हों उनका इवेल्युएशन प्रारंभ हो जाए इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं और जैसे हमें परमिशन मिलेगी तो उसके बाद हम ये कार्य प्रारंभ करेंगे। वर्तमान की स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही अनिवार्य है। यदि एक सेंटर में, यदि हम इवेल्युएशन सेंटर क्रिएट करते हैं उसमें 100 या 100 से ज़्यादा 200 तक भी अध्यापक हो जाते हैं तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकता, तो हमने ये सोचा है कि केवल एक ही अल्टरनेटिव है कि हम घरों में अध्यापकों के पास पेपर देखने के लिए दें और एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो पेपर हम ले लें। इसके लिए हम पूरे के पूरे हिमाचल में 50 या इससे ज़्यादा संभव हो सकता है ऐसे हम सेंटर क्रिएट करेंगे और वो सेंटर इश्यूएंस सेंटर या कलेक्शन सेंटर हो सकते हैं जिसमें कि वहाँ पर हम पेपर इशू करेंगे टीचर्स को और एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम जो 10 दिन के या 15 दिन का हो सकता है उनसे आग्रह करेंगे उनको वापस यहाँ पर दे दें, जो भी रिक्वायर्ड पेपर हैं भरने के लिए वो भी दे दें और अवार्ड लिस्ट भी दे दें, तो इस प्रकार की व्यवस्था उसमें रहेगी। FR लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि घरों को पेपर हम भेजेंगे, अगर किसी स्कूल को, अभिभावक को ये पता चलता है कि ये पेपर यहाँ गए हैं तो इससे मूवमेंट बढ़ सकता है, इसलिए FR लगाना सिक्रेसी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मूवमेंट ना बढ़े इसलिए महत्वपूर्ण है, तो FR लगाएंगे हैं।